हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू टैलेंट डिजिटल क्लास। दोस्तों, फिर से एक और बार मैं आपका स्वागत करता हूँ इस मेरी चैनल टैलेंट डिजिटल क्लास में। आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं आज के इस लेक्चर में बीकॉम सेम टू चैप्टर नंबर 3 नियुक्ति रीत। सम नंबर है यहाँ पर हमारा 11, सम नंबर 11, चैप्टर नंबर 2 सेम टू स्टेटिस्टिक्स। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं। इसके पहले मैं बीकॉम सेम 4 के रिलेटेड कहीं वीडियो बना चुका हूँ। अगर आपके कहीं दोस्त फ्रेंड्स बीकॉम सेम 4 में है तो आपको वो वीडियो देखकर आप उन्हें भी बता सकते हैं, और बहुत ही अच्छी इंपॉर्टेंट वीडियोस में ला के रहता रह रहा हूँ। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं। शुरुआत करने से पहले मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और बाजू में आते बेल आइकन को ज़रूर दबा लीजिए। GST, ईवे बिल और टेली ERP 9 के रिलेटेड मैं वीडियो बनाता रहता हूँ। अगर आप उसके रिलेटेड वीडियो देखना चाहते हैं तो वो भी वीडियो आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगी। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं। आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, सबसे ये है सम, आपको यहाँ पर दिख रहा होगा सम नंबर 11 चैप्टर नंबर 2 बीकॉम सेम 2 स्टेट चैप्टर नंबर 2 चैप्टर नंबर 3 और सम नंबर है 11। तो आपको ये पूरी रकम जो दी हुई है आपको ये ध्यान से पढ़ लेनी है, ठीक है। आप ध्यान से इस रकम को पढ़ लीजिए और ये आपको यहाँ पर दिख रहा होगा कोष्टक। ये कोष्टक आपको एज इट इज़ यहाँ पर उतार लेना है। जैसा कोष्टक आपको यह दिख रहा है वैसा कोष्टक आप यहाँ पर उतार लीजिए, जैसा भी दिख रहा है आपको। ये इतने में आपको उतार लेना है, ठीक है। ये आपने यहाँ पर उतार लिया। इसके बाद P1, P2, P3, P4, W1, W2, W3 और W4। तो सबसे पहले आपको ये W1 सिलेक्ट करना है, उसके बाद W2, W3 और W4। तो हम यहाँ पर देखेंगे कि W1 में सबसे छोटी रकम जो होगी हम उस पर गोल राउंड कर देंगे। सबसे छोटी रकम जो होगी उसको हम यहाँ पर गोल राउंड कर देंगे। इसके बाद W2 में छोटी रकम 8, W3 में 14 और W4 में 9। ये हमारे पास सिलेक्ट हो जाने के बाद हमें यहाँ पर नीचे भी जितना ही W1, W3, W4 ऐसा ही कोष्टक बना लेना है। 1, 2 और 3, 4 चार है तो हम यहाँ पर 4 ही बना लेंगे। इसके बाद जहाँ पर हमने ये गोल राउंड किया था उसी जगह पर हम इसको 0 धार लेंगे, सिलेक्ट कर लेंगे हम 0। तो हमने यहाँ पर 0 सिलेक्ट कर लिया। ये 8 है बी W2 में, तो W2 और P3 में, तो हमने यहाँ पर इसको 0 कर लिया। इसको भी हमने यहाँ पर 0 कर लिया, ठीक है। इसको भी, ये भी सिलेक्ट है तो हमने भी इसको भी 0 कर लिया। इसके बाद जहाँ पर भी आपको 0 0 दिख रहा है वो आपको ध्यान में रखना है। इसके बाद हमें यहाँ पर ये वाला कॉलम सिलेक्ट करना है। यूँ अभी हमने यहाँ पर यूँ रो सिलेक्ट किया था, अब आपको ये वाला सिलेक्ट करना है। तो मैं आगे बात करूँ तो ये यहाँ पर 0 दिख रहा है उसको हमें यहाँ पर सिलेक्ट करना है, 0 सिलेक्ट करना है। और 0 सिलेक्ट, ये तो ऑलरेडी 0 सिलेक्ट हुआ था। अब यहाँ पर हमें ये वाली कॉलम में देखना है कि 0 तो सिलेक्टेड है। इसके बाद ये वाली कॉलम में सबसे छोटी रकम 8 है तो इसको हमने सिलेक्ट कर लिया। इसके बाद सबसे छोटी रकम हमारे पास 0 है तो इसको सिलेक्ट कर लिया। और इसके बाद सबसे छोटी रकम हमारे पास ये है 0 तो इसको हमने यहाँ पर सिलेक्ट कर लिया। इसके बाद ये वाली 0 है तो 0 में से हम यहाँ पर 7 को माइनस करेंगे तो ये एज इट इज़ आ जाएगा। 0 में से हम 26 को माइनस करेंगे तो 26, 0 में से 8 को हम माइनस करेंगे तो 8, ठीक है। इसके बाद ये हमारे पास 8 है, 8 में से हम ये 16 माइनस करेंगे तो 8, और 8 में से 19 हम यहाँ पर माइनस करेंगे तो 11,
आठ में से आठ जाएगा तो ज़ीरो, और आठ में से चौदह जाएगा तो हमारे पास ये छः बचेगा। ठीक उसी तरह ही यहाँ पर हमने ज़ीरो भी सिलेक्ट किया तो ये ज़ीरो, ज़ीरो में से हम यहाँ पर माइनस करेंगे नौ तो ये नौ बचेगा, ज़ीरो में से टू माइनस करेंगे तो हमारे पास टू बचेगा, और ज़ीरो में से थर्टीन माइनस करेंगे तो हमारे पास यहाँ पर थर्टीन बचेगा। इसके बाद ये वाली कॉलम हम ध्यान में लेते हैं, ये वाली कॉलम में यहाँ हमने ज़ीरो सिलेक्ट किया है, ज़ीरो में से टू जाएगा तो टू, ज़ीरो में से फाइव जाएगा तो फाइव, ज़ीरो में से ज़ीरो जाएगा तो ये ज़ीरो, और ज़ीरो में से ज़ीरो जाएगा तो भी ज़ीरो। ठीक है, अब आपको ये वाली कॉलम अपने फर्स्ट ऑफ ये वाली कॉलम फर्स्ट आपने ये वाली कॉलम सिलेक्ट किया था, इसके बाद हमने ये रो सिलेक्ट किया, पहले रो फिर कॉलम। अब हमें ध्यान में रखना है ये जो हमारे पास ये कोष्टक जो बचा, लास्ट वाला जो कोष्टक बचा, इसमें से हमें एक दो तीन चार, ये चार हमारे पास है, वन टू थ्री, डब्लू वन डब्लू थ्री, डब्लू वन डब्लू टू डब्लू थ्री और डब्लू फोर, ये चारों में से हमें सब चार है तो मतलब हमारे पास चार जीरो होने चाहिए। ये डब्लू वन में हमारे पास एक ज़ीरो यहाँ पर है, ये W1 है तो हमारे पास ये कॉलम में ज़ीरो कहाँ है तो हमारे पास यहाँ पर है। इसके बाद W2, W2 में हमारे पास ये ज़ीरो आ गया, W3 में हमारे पास यहाँ पर ज़ीरो आ गया, W4 में हमारे पास यहाँ पर ज़ीरो आ गया, तो इसको हमें यहाँ पर सिलेक्ट करके ध्यान में रखना है और यहाँ पर इसको लिख लेना है कि W1 में P1 के P1 में ज़ीरो आया, W2 में P3 में ज़ीरो आया, W3 में P2 में ज़ीरो आया, W4 में P4 में ज़ीरो आया। इसके बाद उसके कॉलम में हमें जो भी रकम दी हुई है मत, तो यहाँ पर W1 में P1 है तो हम यहाँ पर फर्स्ट वाले कॉलम में जाते हैं, W1 में P1 तो ये हमारे पास 10 है तो हम यहाँ पर लास्ट में लिख लेंगे 10 यहाँ पर आपको दिख रहा होगा। इसके बाद W2 में P3 मतलब ये हमारे पास W2 में P3, W2 में P3, P3 में हमें यहाँ पर आठ दिया हुआ है तो हमने यहाँ पर आठ लिख लिया। इसके बाद W3 में P2 तो यहाँ पर हमें 22 दिया हुआ है तो हमने 22, और W4 में P4 मतलब हमें यहाँ पर 9 दिया हुआ है तो हमने 9 लिया। ये सब का हमें यहाँ पर टोटल करेंगे तो 49 आपका आंसर आ जाएगा। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा, थोड़ा बहुत आपको ध्यान में रखना है तो बहुत ही, वैसे तो बहुत ईजी है, मैंने बहुत टफ रीत से आपको समझाया, आपको समझ में शायद कभी नहीं आया होगा, आप नोट पेन लेकर बैठेंगे तो आपको ज़रूर समझ में आ जाएगा। थोड़ी सी माफ़ी चाहता हूँ आपके लिए कि थोड़ा वीडियो बहुत ही हार्ड हो गया है आज के इस वीडियो, तो आपको नोट पेन लेकर आप बैठोगे तो आपको शायद कभी समझ में आ जाएगा। ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो मैं आपके लिए लेकर आता रहता हूँ। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक करें, इम्पोर्टेंट लगा है तो अपने दोस्तों को शेयर कर दें, और फिर से छोटी सी रिक्वेस्ट है कि सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, ऐसे ही इंटरेस्टेड वीडियो मैं आपके लिए लेकर आता रहता हूँ। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसे ही कुछ इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ।